हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये मेरा गुलदाउदी का पौधा है जिसके फूल अब सूख चुके हैं। इस पौधे के फूल पहले ही खिलने शुरू हो गए थे क्योंकि इसकी कटिंग मैंने पहले ही लगा लिया था। तो आज मैं इन सूखे हुए फूलों को हटा दूंगी और जो कलियां अभी तक नहीं खिली है उसके लिए मैं गमले में अच्छे से थोड़ा सा खाद डालूंगी जिससे कि कलियाँ अच्छे से ग्रो करें और खिलें। वैसे गुलदाउदी में तो एक बार कलियां आने के बाद दोबारा उसमें बहुत ही कम कलियां आती हैं और उसके फूल भी उतने सुंदर नहीं हो पाते हैं। फिर भी मैं इस पौधे के सूखे हुए फूलों को हटा दूंगी और अच्छे से थोड़ा खाद डालूंगी जिससे अभी जो कलियां छोटी हैं वे अच्छे से थोड़ा और ग्रो कर जाए और खिल जाए। तो इसके लिए जो सूखे फूल हैं उन्हें मैं पहले हाथों से ही चुन कर हटा लूँगी क्योंकि मेरे इस पौधे के बीच बीच में बहुत सारे छोटी छोटी कलियां हैं। अगर इनमें बीच बीच में कलियां नहीं होती तो मैं इसकी डाली को एक ही बार में काट कर हटा देती। इन सूखे हुए फूलों को हटाने के बाद मैं आपको दिखलाती हूँ कि इसमें कितनी सारी कलियां हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे में अभी भी कितनी सारी कलियां हैं जो अभी तक नहीं खिली हैं। साथ ही मैं इसमें जितने भी सूखे पत्तियां हैं उन्हें भी हटा दे रही हूँ। गमले में जितने भी खर पतवार हैं उन्हें भी मैं हटा रही हूँ। और अब मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेती हूँ ताकि इसमें मैं खाद दे सकूँ। और अब मैं इसमें गोबर की खाद दे रही हूँ। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप घर में कंपोस्ट भी दे सकते हैं। गोबर की खाद के अलावे जब तक इसमें कलियां खिल नहीं जाती हैं तब तक मैं इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी हर 10 दिन के अंतराल में और आशा करती हूं कि इसमें फूल अच्छे से आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।